जिला के सरकारी स्कूलों ने एक अनूठी मिसाल कायम की है। स्कूल मुखिया ने स्टाफ के सहयोग से इन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू कर दी है। यही नहीं, स्कूल प्रधानाचार्य व कुछ स्टाफ के सदस्यों ने अपने बच्चे भी इन स्कूलों में डाल दिए हैं ताकि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ सके। उल्लेखनीय है कि हमीरपुर जिला के 133 स्कूलों में स्कूल मुखियों ने स्टाफ के सहयोग से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू कर दी है। नए सेशन में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जिला भर में हाई व सेकेंडरी स्कूल 161 हैं। स्कूल मुखिया व स्टाफ ने अपने बलबूते पर उठाए गए कदम से अन्य स्कूलों को मिसाल पेश की है। यही नहीं, ये अध्यापक उन अध्यापकों के लिए भी सीख का केंद्र बने हैं जिनके अपने बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। इन स्कूलों के मुखियों ने सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया और स्टाफ के समक्ष आगामी प्लान पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया कि सभी के सहयोग के साथ अंग्रेजी माध्यम पर जोर दिया जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में स्टाफ को काफी चुनौतियों से गुजरना पड़ा। उन्होंने बोर्ड से अंग्रेजी मीडियम की पुस्तकें मंगवाई हैं। सभी छात्रों को पुस्तकें फ्री वितरण करने के उपरांत स्कूल में शिक्षात्मक माहौल बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों में छात्र ज्यादा से ज्यादा दाखिला ले सके। देखने में आया है कि छात्रों के अभिभावक अपने लाडलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाने की रुचि दिखा रहे हैं, जिसके चलते स्कूल मुखियों ने ये कदम उठाया है। इस सेशन में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि छात्रों के अभिभावक सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित हो सकें। सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अधिकतर अध्यापकों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। अक्सर ये मुद्दा समय समय पर उठता रहा है। लोगों का कहना है कि जब अध्यापक सरकार से वेतन ले रहे हैं तो खुद के बच्चों को निजी स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हैं। यहां तक कि अध्यापकों को खुद के बच्चों पर भी विश्वास नहीं है। इस मामले को सरकारी स्कूलों में कम हो रही विद्यार्थियों की संख्या का कारण भी बताया जा रहा है, लेकिन हमीरपुर के 133 स्कूलों में उठाए गए इस कदम की काफी सराहना हो रही है। जिला के अन्य अध्यापकों को भी ऐसी ही मिसाल अपने क्षेत्र में देनी चाहिए। 133 ऐसे स्कूल हैं, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिन्होंने अपने स्तर पर इंग्लिश मीडियम चलाया हुआ है। और बाकी स्कूलों के जो मुखिया हैं और स्कूल प्रबंधन समितियां हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम चलाएं। हाँ, मतलब काफी हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में डाले हैं, और बाकी जिन्होंने नहीं डाले हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी इस दिशा में प्रयास करें और विद्यालय में एक अच्छा वातावरण बने पढ़ाई का, और लोगों में भी इसका एक संदेश जाए कि जब अध्यापकों के बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो बाकी लोगों के बच्चे भी वहाँ जरूर हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारे 94 और हाई स्कूल है 67। अभी छुट्टियां नहीं होती हैं और पहली को संडे है, 2 तारीख से जो है लगातार बच्चों की क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए जी। तो उसके लिए स्कूल मुखिया जो है अपने स्तर पर प्लान करें कि बच्चों को शुरू में बेसिक चीजें सिखाएं, उनका लेवल चेक करें, और जहां उनको जरूरत है एक्स्ट्रा कोचिंग की तो वो उनको दी जाए शुरू से जी। और सिलेबस पर उसके बाद फिर जो है आया